हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन वन ग्रो पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उपमा की रेसिपी। इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। 1 कप सुई ली है, रवा भी इसे कहते हैं। हमने पतली वाली सुई ली है, आप चाहें तो मोटी भी ले सकते हैं। उपमा दोनों सुई में बहुत अच्छा बनता है। हम रवे को भूनेंगे। गैस ऑन कर दिया है, घी लेंगे। घी हमने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी गरम हो गया है, सुई लेंगे। इसे आप मिक्स करते हुए धीमी आंच पर भून लेंगे। सुई को हमें धीमी आंच पर भूनना है, हमें इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। हमने घी में भूना है सुई को, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। सुई को हमने चलाते हुए भून लिया है, सुई को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। सुई में घी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, अब गैस बंद कर देंगे। इसी कढ़ाई में हम थोड़ा घी लेंगे। घी गरम हो गया है, फली दाना लेंगे, इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। पाँच मिनट में फली दाना बहुत अच्छे रोस्ट हो जाएंगे। फली दाना रोस्ट हो गए हैं, सारे चिटक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। काजू लेंगे, 10 से 12 हमने काजू लिए हैं, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। इनका भी हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें रोस्ट करना है। काजू रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। थोड़ा घी और लिया है हमने, राई लेंगे, राई को चटकने देंगे अच्छे से। चना डाल लेंगे, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तीन से चार मिनट इसे भी भून लेंगे। चना दाल भुन गई है, प्याज लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, आंच में इन्हें भी भूनेंगे।
अदरक लेंगे। अदरक को हमने कूट लिया है। सभी को अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। गाजर लेंगे। इन्हें भी चला लेंगे। शिमला मिर्च लेंगे। सभी सब्जियों को 5 मिनट हमने पका लिया है। पानी लेंगे। 1 कप हमने रवा लिया है। 2.5 कप हम पानी लेंगे। ढाई कप हमने पानी लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। कसूरी मेथी ली है हमने। नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ। नारियल का स्वाद उपमा में बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, गैस कम कर देंगे। रवा डालेंगे। चला लें इसे। धीमी आंच पर हम इसे पका लेंगे 10 मिनट। धीमी आंच पर हमने इसे 10 मिनट पका लिया है। देखिए पानी पूरा सूख गया है। थोड़ा पानी और सुखा लेंगे। उपमा अच्छे से पक गया है। देखिए अब हम उड़द की दाल लेंगे। ये हमने मार्केट से ली हुई है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। फली दाना लेंगे। काजू लेंगे। चला लेंगे अब इसे। फली दाने को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना अच्छा उपमा बन के तैयार हुआ है। पतली वाले रवे से भी बहुत अच्छा उपमा बन के तैयार होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। अब गैस बंद कर देंगे। देखिए उपमा बन के तैयार है। ना ज़्यादा गीला ना सूखा, एकदम परफेक्ट उपमा बन के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।